आजमगढ़ जिले में भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। आजमगढ़ सदर नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू का नामांकन कराने देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। मीडिया से बातचीत में दीनू जायसवाल ने बताया कि 2012 में उनकी माँ को भाजपा ने टिकट दिया था और शायद लोग यही सोच रहे थे कि ये जीत पाएंगी या नहीं। उस समय सपा की सरकार थी और इस आजमगढ़ को, जिसे लोग सपा का गढ़ कहते हैं, उस समय हमने आजमगढ़ में कमल खिलाया था। लेकिन आज जब ये आजमगढ़ भाजपा का गढ़ हो चुका है, इस बार की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी और ऐतिहासिक जीत होगी। गुटबाजी के सवाल पर दीनू जायसवाल ने कहा कि हमारे साथ ऋतिक जायसवाल हैं, हमारे साथ संतोष भी हैं, अजय सिंह भी हैं, हम सब लोग एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम सब परिवार के मेंबर हैं, हम सब में कोई गुटबाजी नहीं है। इस बार पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, सभी संभावित प्रत्याशियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो इस बार ऐतिहासिक जीत दिलाने में सहयोग करेगा। एक प्रश्न के जवाब में दीनू जायसवाल ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो सभी पर लगते हैं, माँ सीता पर भी आरोप लगा था, मैं तो बहुत छोटा हूँ। भाजपा कार्डर की पार्टी है, यहाँ हर कार्यकर्ता के काम को सम्मान मिलता है। 2012 में हमारी माता जी को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया था और शायद ये लोग ये सोचते थे कि जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उस समय सपा की सरकार में इस आजमगढ़ में, जिसे लोग तब कहते थे सपा का गढ़ है, आज तो खैर ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो रही, तब हमने जो है चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था। और हमारा यह मानना है कि इस चुनाव में अब तक की सबसे अच्छी मेहनत और ऐतिहासिक जीत होगी यह हमने, क्योंकि हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, एक कैडर के रूप में काम किया है। अगर पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया तो पर्चा भर के भी हमने वापस लेके पार्टी को समर्पित किया है, क्योंकि कैडर है हमारा, कैडर है हमारा। और मैं यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो यहाँ हमको प्रत्याशी के रूप में बनाई है, मैं इस बात का वादा दिलाता हूँ कि अब तक की सबसे शानदार और ऐतिहासिक जीत आजमगढ़ में दर्ज होगी, जो उत्तर प्रदेश में सारी जीतों से सबसे आगे है। नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। अरे भाई, हमारे साथ ऋतिक जायसवाल भी है, हमारे साथ संतोष जी भी है, हमारे साथ विनय जी है, अजय सिंह, सब लोग हम लोग साथ हैं। कोई ऐसा नहीं हमारा कोई प्रत्याशी की हमारा आके पर्चा दाखिल कर रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग का ये पारिवारिक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेंबर हैं और निश्चित तौर से सब लोगों को एक बार चांस मिलता है सौभाग्य से और पार्टी के सभी आला नेताओं के आशीर्वाद से एक बार हमें यह मौका मिला है और निश्चित तौर से हम इस पर खड़े उतर करके भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आजमगढ़ में सबसे शानदार जीत जिला करके उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करेंगे। आप लोकसभा और विधानसभा में समाजवादी पार्टी करीब है, उस पर क्या कहने? ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो माँ सीता के ऊपर आरोप लगा दिए थे, अब इस आरोप का क्या जवाब है? अरे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे हमें। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने आए देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी का कहना है कि आज जो परिस्थिति उत्साह है, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। भाजपा काम को लेकर जनता के बीच जाएगी, हम जनता को बताएंगे कि हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें पूरा स्नेह जरूर देगी। सांसद रमापति राम का कहना है कि सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर भाजपा काम करती है। हमने यदि मकान दिया तो हिंदू मुसलमान दोनों को दिया, राशन दिया तो सभी को दिया, यदि शौचालय दिया तो सभी को दिया, बिना भेदभाव के दिया। ऐसे में हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि इसमें अपेक्षा रखने वालों की संख्या ज्यादा है। नेतृत्व ने सबको स्नेह दिया, सब पर विचार किया और विचारोपरांत निर्णय किया, तो उसमें कोई संतोष नहीं है और कोई अजमंजस नहीं है। बगावत नहीं है, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक उनको उत्साहित करके पर्चा दाखिल करा रहे हैं, लेकिन नामांकन वापसी तक इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता कमल को समर्पित है, भाजपा को समर्पित है और नेतृत्व के लिए समर्पित है। निश्चित सब मिल करके जो भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए काम करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या है? डबल इंजन की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने हर व्यक्ति के
विकास के लिए काम किया, हर व्यक्ति तक कुछ न कुछ देने का काम किया है। और हमारे समय में ही नगरों का विकास भी तेज गति से बढ़ा है, तो हम जो किए हैं उसको जनता के सामने ले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, तो वो विकास की धारा तो तभी सुनिश्चित होगी ना जब तीसरा इंजन भी भाजपा का होगा। तो निश्चित जनता भी समझदार है और जनता भी उसी दृष्टि से सोच रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है।